ना वी आर गोइंग टू डिस्कस रिटेल मैनेजमेंट टिप्स सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर वी विल वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी ओवरऑल रिटेल मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में प्रैक्टिकली इंटू द स्टोर ऑल्सो एंड प्रैक्टिकली इंटू द क्लास ऑल्सो दोनों तीनों परस्पेक्टिव के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन टिप्स को समझने के लिए यह है कि एक रिटेल मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली ये सारी चीज़ ये सारा सनेरियो तीन लोगों के गिर्द घूम रहा होता है तीन चीज़ों के गर्द घूम रहा होता है जिसमें वन इज़ कस्टमर सेकेंड इज़ इम्प्लॉयीज़ और थर्ड पार्ट इज़ द रिटेल स्टोर इट तो जहाँ भी हम इन तमाम टिप्स को कवर कर रहे होंगे डिस्कस कर रहे होंगे इवेल्यूट कर रहे होंगे शेयर कर रहे होंगे आपने इन तीनों परस्पेक्टिव को अपने जहन में हमेशा रखना है हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग कस्टमर्स क्या इम्प्लॉयज़ कर रहे हैं इम्प्लॉयी का क्या रोल है और थर्ड के ऊपर एक ओवरऑल रिटेल स्टोर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं टी वन को जो कि दिस इज द फर्स्ट टिप जो कि क्रिएटर मैनेजमेंट के अंदर मेन वन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स में से है द फर्स्ट मेन वन इज द इट इज द कस्टमर एक्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस एक्चुअली वो क्या है इट्स अ कस्टमर एक्चुअली अब ये बात ना सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए और आपकी टीम शुड बी कन्विंसड इनफ के वाकई द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी रिटेल बिजनेस इज़ द कस्टमर इस बात को इस तरीके से सोचिए कि अगर आपके पास जो है वेरी गुड स्टोर बहुत अच्छी लोकेशन बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हर चीज़ इज टॉप क्लास बट यू डोंट हैव द कस्टमर और या कस्टमर वहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं या इट इज़ नॉट द चॉइस ऑफ द कस्टमर तो क्या वो आपका रिटेल स्टोर एक अच्छे और लंबे अरसे के लिए सर्वाइव कर सकेगा क्या वहाँ पर बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट हो सकेंगे क्या वहाँ पर प्रॉफिटबिलिटीज जनरेट हो सकेंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अगर ऐसा नहीं होगा तो इन जनरल रिजल्टेंटली क्या होगा वो ये होगा कि देन यू विल नॉट गेट यू विल लूज़ योर जॉब यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटेल स्टोर सो so, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टाफ के लिए कंपनी के लिए लीडर के लिए रिटेलर के लिए सबके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इज़ ये कि एवरीथिंग इज़ अराउंड द कस्टमर ये सारा स्कीम ये सारी चीज़ इज एक्चुअली अराउंड द कस्टमर तो कस्टमर इज इन द सेंटर एक्चुअली और वो उस सेंटर पॉइंट के ऊपर ही यू हैव टू प्लान एवरी थिंग आपने ये देखना है कि जो मेरा स्टोर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के लिए हाउ दे आर कनेक्टेड टू कस्टमर्स वो क्योंकि वो कस्टमर के लिए ही हैं तो क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है प्राइसिंग अगेन एज़ पर दी नीड वॉन्ट रिक्वायरमेंट ऑफ़ दी कस्टमर क्या कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल इस प्राइस लेवल के ऊपर है या नहीं है क्या ये प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वालिटी को मीट करता है और कस्टमर इसको लेना चाहता है बाय करना चाहता है नीज़ वो तमाम पॉइंट्स एक्चुअली जो कि आपको कन्विंस करें कि कस्टमर को आप किस तरीके से एक स्टोर के अंदर ले आएँ उसको कन्विंस करें कि वो आपसे बाई करें प्रोडक्ट्स को और आपको एक सक्सेसफुल वेंचर बनाए वो तमाम पॉइंट जो हैं एक्चुअली यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल कंसिडरिंग कि मेरे बिजनेस का जो कोर है मेरे बिजनेस का जो सेंटर है द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है मेरे बिजनेस का वो एक्चुअली कस्टमर है सो एवरी थिंग एंड एनी थिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर इस बात से एज ए रिटेलर आपको बहुत कन्विंस होना ज़रूरी है नंबर वन बट नंबर टू आपकी सारी टीम आपके स्टाफ आपकी बेशक इट इज अ टॉप लेवल इट इज़ अ मिडल लेवल और इट इज़ द लोअर लेवल स्टाफ स्टोर स्टाफ तक को दे हैव टू बी कन्विंस्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इट ऑल अबाउट द कस्टमर मूव करते हैं हम टी टू की तरफ विच इज द सेकेंड मेन टिप ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट इट इज डॉक्टर योर कस्टमर सो वट इज डॉक्टर योर कस्टमर एक्चुअली जैसा कि उसके नाम से रिफ्लेक्ट है कि वट एवट यू नीट टू डू आपने क्या करना है कस्टमर को यूनीट टू डॉक्टर जिस तरीके से कस्टमर प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है अपने पेशेंट का उसको प्रॉपरली सुनता है उसके प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करता है उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है उसको बेसिकली मेडिकेशन देने की कोशिश करता है उसको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करता है ये सारा काम एक रिटेलर का है जब तक ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यर कस्टमर इस तरीके से कि जिस तरीके से एक डॉक्टर करता है तब तक ही विल नॉट बी एबल टू कमांड हि कस्टमर तब तक ही विल नॉट बी एबल टू इन लव विद हिज कस्टमर तब तक कस्टमर भी उसकी पहली पेयॉरिटी नहीं हो सकता तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंसल्टे ड्यूरिंग द टाइम दिस इंटरेक्शन विद द कस्टमर ही नीड टू एक्सक्लूड एवरी सिंगल थिंग उसके जहन में कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से डॉक्टर जब आपको कंसल्ट आपको आपका ट्रीटमेंट करा या आपको कंसल्ट कर उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो उसके तमाम बातों को एक्सक्लूड कर देता है उससे पहले वाले पेशेंट की बात को आपकी बात के साथ मिक्स नहीं करता है बिल्कुल इसी तरीके से जब एक रिटेलर से कस्टमर कांटेक्ट करता है सो ही नीड टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली उसकी बात को समझ सके उसकी नीड को एड्रेस कर सके उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू नीड टू कंसेंट्रेट हम बात करें बार बार तो कंसेंट्रेट ऑन देम ताकि यू प्रॉपरली डॉक्टर योर कस्टमर सो सेकेंड इंपॉर्टेंट मेन टिप जो कि मैंने भी आपको दी वो है वो आपने यू नीड टू डॉक्टर योर कस्टमर अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं सो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल रिटेलर मूव करता हूँ मैं अब थर्ड टिप की तरफ विच इज़ अगेन रिलेटेड टू कस्टमर विच इज़ डिलाइटिंग योर कस्टमर अगर आप इनिशियल टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ इवॉल्व करेगा कस्टमर के गिरद सब और इसके अलावा आपके बाद मैंने दूसरी बात ज़िक्र की थी कि इम्प्लॉयज़ के, के गर्द और तीसरी बात रिटेल स्टोर के गिरद तो देखें हम उसी परस्पेक्टिव में मूव कर रहे हैं तो थर्ड टिप है डिलाइट द कस्टमर सो आपको क्या करना है एक्चुअली वट यू नीड टू डू कि जो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं आपने उससे ज़्यादा उस कस्टमर को डिलीवर करना है अगर वो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल उसको चीज़ें विद इन टाइम लिमिट में डिलीवर हो जाएंगी सो यू शुड डिलीवर इट वेल बिफोर द टाइम अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ मीट की हैं बल्कि आपने उसकी डिलाइट के लिए काम किया है so सो जब भी आप कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करेंगे उसकी से ज़्यादा देंगे कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल की तरफ आएगा डिलाइटनेस की तरफ आएगा और नॉर्मली क्या होता है जब एक कस्टमर डिलाइट करता है कस्टमर एक्साइटेड होता है कस्टमर खुश होता है आपके साथ कनेक्टेड होता है तो वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करता है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से ये होता है कि देन यू विल गेट मोर कस्टमर्स आउट ऑफ इट आपके पास और बहुत सारे कस्टमर्स को वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश करता है सो द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने आपको रिटेल मैनेजमेंट के हवाले से दी वो ये है दैट यू नीड टू वर्क ऑन डिल्लाईटिंग यूर कस्टमर सो यू नीड टू फाइंड आउट ऑलवेज़ तमाम तरीके आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से मैं अपने कस्टमर को डिलाइट कर सकता हूँ तरह मैंने बताया कि इट कैन बी एनी थिंग एंड एवरी थिंग जो कि कोई स्मॉल एडिशन दैन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन तो आप अगर वो ऑगमेंटेड या पर्सनल बेनिफिट्स को सामने जहन में रखें वैल्यू चेन के पॉइंट्स को जहन में रखें तो येस यू कैन क्रिएट लॉड ऑफ पॉइंट्स लॉड ऑफ थिंग्स जिससे यू कैन रियली डिलाइट यूर कस्टमर्स